दिन बदला लूंगा, हंसता हुआ जाऊंगा और रोएगी ये दुनिया। नाज़रीन, अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि यार नेगेटिविटी बड़ी है, बच्चे खराब हो रहे हैं, टाइम बड़ा वेस्ट करते हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे, कॉलेजेस में नहीं जा रहे, इवन ऑफिसेज में अब आप देखते हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं साथ ही साथ वो टिकटॉक की वीडियोस बन रही हैं। मुझे एक सवाल का अक्सर जो अपनी ज़ात से जवाब मांगता हूँ नहीं मिलता कि कोई भी इनोवेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म जब हमारे मुल्क में ग्रो करता है तो हम उसमें से कीड़े क्यों निकालते हैं? यही लोग जो आपके स्टार्स हैं, जिनको आपने स्टार्स बनाया हुआ है, मिलियंस ऑफ नंबर है जिनको फॉलो करता है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि स्पेसिफिकली आज टिकटॉक, क्योंकि ये बेस्ट फेसबुक पे भी रह चुकी है, ये ट्विटर पे भी रह चुकी है, कि ट्विटर ब्लेसिंग है या कर्स है पाकिस्तानियों के लिए, फेसबुक कर्स है या ब्लेसिंग है, आज इनसे पूछते हैं कि टिकटॉक जिसमें हाँ एक तरह से वो कर्स है कि जब मैं उन बच्चों की वीडियोस देखता हूँ कि जो ओवर स्पीडिंग करते हैं, मोबाइल फोन से वीडियोस बनाते हुए एक्सीडेंट होता है और वो दुनिया से चले जाते हैं, ये बिल्कुल कर्स है। जब मैं देखता हूँ कि गुजरात में ट्रेन के सामने एक टिकटॉकर वीडियो बना रहा है और ट्रेन के नीचे आ जाता है, दुनिया से चला जाता है, अब वो आपकी 15 सेकंड की वीडियो ने उन दो खानदानों के वो ख्वाब तोड़े हैं कि जो जब बच्चा पैदा होता है तो तब माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, चचा मामू, फुफियाँ देखना स्टार्ट करती हैं, मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनेगा, मेरी बेटी बड़ी होकर ये करेगी। वो ख्वाब जो थे वो एक 15 सेकंड की वीडियो जिसका ओनली पर्पस एट दैट पॉइंट वॉज कि मुझे कुछ 1000 लाइक्स मिल जाएंगी, मुझे कुछ 1000 फॉलोअर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपने उन अपने छोटे से ख्वाब के पीछे कितने लोगों के ख्वाब तोड़ दी। फैसला आप लोग कीजिएगा कि क्या वाकई में टिकटॉक कर्स है या ये ब्लेसिंग है। आइए इन लोगों से भी जानते हैं। कमल, आपसे स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान में टिकटॉक कर्स या ब्लेसिंग? मेरे ख्याल से ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर आपने जो बातें की हैं अभी कि काफ़ी लोग इस तरह वो जा चुके हैं 15 सेकंड की वीडियो के लिए, लेकिन काफ़ी आप उन लोगों को भी देखें जो 15 सेकंड की वीडियो से कितना कामयाब हुए हैं, जो 15 सेकंड की वीडियो से कितना इनकरेज होकर किसी की मदद कर रहे हैं, चाहे वो एक एक्ट था, वो 15 सेकंड की वीडियो के लिए, मतलब अगर मैंने दिखावा ही करना है और मैं किसी भूखे को खाना खिला रही हूँ उस वीडियो में, तो वो ब्लेसिंग है। थोड़ा सा बोल्ड सवाल पूछ, माइंड तो नहीं करेंगे, आप दोनों बहनों की वीडियोस में 90% आपका जो वार्डरोब है वो वेस्टर्न? हाँ जी। हम इतने वेस्टर्नाइज्ड क्यों हैं? जो मुझे पसंद आएगा मैं वही पहनूंगी। केट पाकिस्तान आती है, प्रिंसेस पाकिस्तान आती है, वो शलवार कमीज पहनती है, पूरा पाकिस्तान पागल हो जाता है, देखो जी केट आई है, उन्हें शलवार कमीज पाई है। तो यही बात है, अब वो इधर आके शलवार कमीज पहन रही है तो उसको काफी अच्छा कह रहे हैं ये लोग। हम भी जब कोई पाकिस्तानी जाकर बाहर जाकर पेंट शर्ट वगैरह पहनता तो उसको बुरा बोलते। अच्छा, जब आप पाकिस्तान से बाहर जाती है शलवार कमीज पहनती है? नहीं, मैं इधर भी नहीं पहनती। बिल्कुल नहीं? नहीं। क्या मतलब कॉम्प्लेक्स है हमारा क्या शलवार कमीज? नहीं, क्या हमारा कल्चर नहीं है? शुरू से नहीं मैंने पहनी शलवार कमीज, मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। वाकई में? हाँ जी, मुझे चिढ़ होती है जब मैं पहनती हूँ ना। आगे दीजिएगा, कर्स और ब्लेसिंग? कर्स। कर्स? एंड यू आर फॉलोइंग थ्रू द कर्स? कैसे कर्स? डिप्रेशन। कैसे? किसी को अपने से आगे नहीं देख सकते, कोई आगे जा रहे तो हसद करेंगे, फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे तो फॉलोवर्स मेरे से ज्यादा किसी के ना हो जाए, मैं टॉप पे हूँ, मैं टॉप पे रहूँ। हाँ, ऐसे होते हैं, लाइक्स उसे क्यों आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहे। कंपटीशन में आप स्ट्राइव भी तो करते हो, आप मेहनत भी तो ज्यादा करते हो। बस उसी के बीच में जो डिप्रेशन है ना वो आपको खा जाता है, वो उस फेज के अंदर डिप्रेशन जरूर होता है। बिल्कुल होता है। आपको होता? पहले हुआ था, अभी नहीं है। पहले क्यों हुआ था? फॉलोवर किसी के बढ़ गए थे? बस आवाम के मैसेजेस आते हैं, भाई वो आपसे आगे जा रही है, आप टॉप पे थी, आप नीचे आ जाओगी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बस लेट से जिस तरह आप मुझे कह रही थी कि आप यू वांट टू गो फॉर सीएसएस, आप सीएसएस करना चाहती हैं, उसकी प्रिपरेशन में बड़ा टाइम चाहिए होगा, आपके फॉलोअर्स तो गिर जाएंगे, या गिर जाएंगे या बाकी लोगों से कंपीट नहीं कर सके, गिर जाएं। तो उसमें डिप्रेशन में जाने वाली क्या बात? ये बात पापा ने समझाई है कि डिप्रेशन में नहीं जाना, ये कुछ भी नहीं है, ये वक्त ही है, इसने खत्म हो जाना है, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे, पढ़े और कुछ बने, ये सब तो वक्त ही है, ये शौक है। तो ये जो एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, ये सब वक्त ही है, ये सब डिप्रेशन के मरीज हैं। वाकई में? मेरे तो बहुत सारे मतलब इंडस्ट्री के दोस्त हैं, ड्रग एडिक्शन इनको हो जाता है, ये सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन में जाके, ये जितना इन्हें क्रिटिसिज्म मिलता है ये उसकी वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो हम क्रिटिसिज्म को फ्यूल टू सक्सेस नहीं यूज कर सकते? हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए, और हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती। आप इतनी बाहिम्मत हैं? शायद। कंफर्म नहीं है अभी? नहीं, अभी जरा थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूजन किस चीज़ पे आती है?
اپنے اوپر تو یقین ہے لیکن جو لوگ ہیں نا وہ پھر آپ کو اوپر سے نیچے گرا دیتے ہیں. دونوں بہنوں میں اگر لشپا کے فالوورز بڑھ جاتے ڈپریشن میں چلی جائیں گی؟ بالکل بھی نہیں, مجھے بالکل اس چیز سے نہیں ہے. عوام میرے اندر میرے دماغ میں چیز ڈال دی. لشپا آپ جائیں گی ڈپریشن میں؟ خوش ہوتی ہوں.